स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हमीरपुर के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में डीएवी पब्लिक स्कूल सलासी में पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल प्रिंसिपल विश्वास शर्मा, जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सतीश शुक्ला भी मौजूद रहे। इस अवसर पर स्कूल में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला शिक्षा स्वास्थ्य अधिकारी सतीश शुक्ला ने कहा कि युवा दिवस के लिए जागरूकता की शुरुआत की गई है, जिसके तहत ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों से संदेश दिया जा रहा है कि स्वास्थ्य लाभ कैसे प्राप्त करें और पढ़ाई के दौरान युवाओं को किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। युवा दिवस से जो एक जागरूकता की कड़ी शुरू की गई है मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर की तरफ से, उसका ये सेकेंड पार्ट हम कंक्लूड कर रहे हैं माननीय प्रिंसिपल महोदय की अध्यक्षता में। तो इसमें एक डेक्लामेशन और साथ में एक पावर पॉइंट के माध्यम से हम जो एडोलसेंट और टीन्स के इशू हैं इनको एड्रेस करने के लिए किस तरह से एक स्ट्रेटेजी रहती है, और साथ में प्रिवेंटिव फील्ड में स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से जो एडोलसेंट्स के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं उनको, उन बच्चों को हम सपोर्ट करें कि वो डिसीजन लें कि किस तरह से वो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और दूसरी समस्याओं से बात करें। तो इस निसंदेह इस जागरूकता कार्यक्रम से और इस तरह से जो कार्यक्रम हम जिला में कर रहे हैं एक अच्छे परिणाम आने की संभावना है, और सब बच्चों को शुभकामनाएं और थैंक्स प्रिंसिपल महोदय का अपने सीएमओ हमीरपुर की तरफ से और सारे स्टाफ की तरफ से करता हूं, जो शॉर्ट स्पैन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो इसके लिए धन्यवाद। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल विश्वास शर्मा ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से जहां बच्चों को सीखने को मिलता है, वहीं प्रतियोगिता के माध्यम से एक मंच मिलता है। I hope and wish that you will be listening carefully to it. And of course, there is a lot of takeaway from this program today. On the very outset, I extend a very warm welcome to Shri Satish Shukla ji and Madam Sharda Sarsar ji, those who took time from their schedule to come over to this institution of ours and interact with you guys and tell you about one of the important aspects of growing up, which is adolescence. You must have read a little about it in your plus one classes in the physical education classes. Mr. Tarpresh or Mr. Raseel might have spoken to you about all it, but today you are going to get more information about it. I wish all the best to all the participants. I welcome Dr. Satish ji and Madam Saraswat once again. A huge round of applause for both of them.